हुजूर, अब भी आपके ऐसे लाखों उम्मती हैं, करोड़ों होंगे, जिन्होंने आपका रोजा नहीं देखा हुजूर, जिन्होंने सिर्फ तस्वीरों में गुम्बदे खजरा को देखा है, जिन्होंने सिर्फ तस्वीरों में काबे को देखा है। करम कीजिए हुजूर, जो तड़प रहे हैं, जो मचल रहे हैं, असबाब नहीं है हुजूर, उन्हें भी बुला लीजिए। और जिन्होंने हुजूर देख लिया है, वो और तड़प रहे हुजूर। जी नाज़रीन, हम मक्का शरीफ के बाज़ार से गुज़र रहे हैं। ये सामने पाकिस्तानी होटल नज़र आया तो हमने सोचा कि इसकी वीडियो बना दें। बैरून मुल्क में जब हम अपने होटल्स अपने लोग देखते हैं, मिलते हैं, तो यकीनन बहुत खुशी होती है। जी नाज़रीन, हम मक्का से चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ताइफ की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन आधा सफ़र हमारा हो गया और आधा रह गया है। ऐसे ही है जैसे हम, जी ये ऊँट नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये ऐसे ही है जैसे हम पंजाब से शुमाली इलाकों में जाते हैं या पंजाब से मरी की तरफ जाते हैं। गो मरी भी पंजाब में है, लेकिन मेरी बात कहने का मकसद ये है कि हम सर्दी वाले इलाके में जा रहे हैं। अरब शरीफ का हम जब भी जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि अरब के इलाके जो है ना, ये बहुत गर्म हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। ये अरब के जो पहाड़ हैं, यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, सर्दी भी होती है। ये हमारे साथ हमारे भाई हैं, एबटाबाद से इनका तल्लक है और ये कुछ अरसा से इधर ताइफ में रह रहे हैं। इन्होंने हमको बहुत मालूमात दी है तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भाई कह रहे हैं कि जी पापा उत्थे धुंद पैनी है ना। हाँ जी जी, हाँ ये एक तो ये बड़ी खुशी हुई है कि अपने हिंद को बोलने ना माड़ी जबान। तो अगे तुसा गल की है कि जल्द इस बैरूनी मुल्क अपना बंदा मिलना है तो असा की जान पे जाने। अंकल जो टैक्सी चला लगे हुए ना, ये अरबी बोलने नहीं ना कि कोई समझ नहीं लगनी आसानी ना, तो कोई इशारिया ना ही असा कम चलाने इतने। तो नाजरीन तको ये पहाड़ असा आज़ाद कश्मीर नाल तल्लक है। मैं बिल्कुल ही ना आखन लगा जी कि आज़ाद कश्मीर ने पहाड़ा नाल ये पहाड़ मिलने ना, ये पहाड़ किसी पहाड़ा नाल भी नहीं मिलने दुनिया ने नाल, ठीक है। ये पहाड़ मिलने मतलब है क्योंकि ये अरब शरीफ है, ये सब तो अच्छे पहाड़ न दुनिया ने, अगर सब तो अच्छे सब तो बेहतरीन पहाड़ न तो वो ये पहाड़ न। जी नाजरीन, ये पुलिस जो जंक्शन है वो आ गया है, यहाँ चेकिंग होती है और इसके बाद फिर हमारा सफ़र जारी और सारी हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैदान अरफात के साथ साथ हम गुजर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैदान अरफात है। ये जो हमारे अंकल हैं, इन्होंने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, इन्होंने हमें बताया ये मैदान अरफात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया, फजल किया, मेहरबानी अता फरमाई। 2019 में हम जो है ना, मैंने हज किया था और अरफात की ज्यारत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह यह सारा मैदान अरफात है। और नाज़रीन, ये जो मैदान अरफात में आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये हमारे मरहूम जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सऊदी अरब हुकूमत को मशवरा दिया था कि यहाँ गर्मी होती है और आप ये दरख्त लगाएं। और लोगों से ये भी सुना है कि ये पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था और ये जो मिट्टी है दरख्त के नीचे, ये भी पाकिस्तान से आई थी। हमने तो यही सुना है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि असल माजरा क्या है। जी नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वादी ताइफ के हम करीब पहुंच चुके हैं। ये हमारे भाई हैं हमारे साथ, इन्होंने कहा कि तकरीबन 10-15 मिनट का सफ़र हमारा रह गया है। ये आप देखें अरब शरीफ के पहाड़, ज़ियारत करें इनकी। जी
नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में ये अंकल जो है इन्होंने ब्रेक टाइम है हमारा नमाज का, ठीक है, हम नमाज़ पढ़ेंगे। अंकल ने कहा कि नमाज के बाद इंशाल्लाह हमारा सफ़र आगे का होगा। जी नाज़रीन ये नज़ारा करें अरब शरीफ का। हम मक्का शरीफ से ताइफ़ शरीफ की तरफ जा रहे हैं, अरब के पहाड़ इनकी ज़ियारत करें। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा की है। ये छोटी सी मस्जिद है इस मस्जिद में। ये हमारी टैक्सी है और इस पे इंशाल्लाह आगे का सफ़र जारी सारी करेंगे। इंशाल्लाह ज़ियारत करें अरब शरीफ के पहाड़ों की ज़ियारत करें। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। जी नाज़रीन ये वादी तैफ है और इसके अंदर ये मेकात की हदूद है, जहाँ से हमने इराम बांध कर नियत करनी है। ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है। इंशाल्लाह दो नफल हम इधर पढ़ेंगे और उसके बाद हम उम्रा की नियत कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर मस्जिद हराम और साथ चक्कर लगाएंगे, सही करेंगे, जमजम पियेंगे और मकाम इब्राहिम के करीब दो नफल पढ़ेंगे और अपने बालों को कटाएंगे तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जितनी ये बातें की हैं ये तरतीब से नहीं की, लेकिन ये सब कुछ वहाँ करना पड़ता है। तो यहाँ जो है वादी ये क्या इसका नाम है तैफ, मौसम जो है ना ठंडा है, ये धुंध पड़ी हुई है। आप देखें चारों तरफ माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मस्जिद है और ये धुंध पड़ी हुई है, ठीक है। मैं अभी जब नियत करूंगा तो उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला ने खैर की तो किसी और ज़ियारत पे जाएंगे तो फिर वहाँ की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप अगर इस तरफ आएँ तो वादी ये जो तैफ है उसके अंदर मेकात की जो हदूद है ये टैक्सी वहाँ से कर लें और ये मेकात की हदूद पे आपको छोड़ देंगे और यहाँ से उम्रे की हम नियत करेंगे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, जितने लोग मुझे पूरी दुनिया में देख रहे हैं मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला बरकात अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली एक वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन अभी अंधेरा पड़ गया है तो वापस भी जाना टाइम भी है कि भी पाबंदी करनी पड़ती है क्योंकि कल का दिन है, फिर हमने मदीना शरीफ जाना है, कल ज़ियारत जो है मक्का में वो करनी है। तो आज अगर दिन होता तो मैं इधर की और भी वीडियो बना के आपको दिखाता, लेकिन जो मैं पहले मैंने रास्ते में बनाई है बस वही जो है ना कुछ ताइफ का एरिया है और पीछे से मैंने आपको उसमें सारी डिटेल बता दी थी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।